बच्चा मेरे मासूम बच्चे का अमान, यकीन दुनिया से उठ गया है। इतना बहादुर मेरा बच्चा जो कि किसी से नहीं डरता था, वो जरा सी आहट पे भी डरता है, और रात को सोता भी नहीं है, रात को भी मेरे साथ लग के कहता है मामा वो आ जाएगा, मामा तुम दरवाजा बंद करो उठ के, मामा तुम लाइट ना बंद करो, क्या हमारे हुक्मरान इसलिए है, क्या ये पुलिस वाले हमारे मुहाफ़िज़ हैं जो पैसे लेके मुल्ज़िम को घूमने के लिए छोड़ा हुआ है और हम अदालतों के दरवाजे खटका रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है, इस मुल्क में कब इंसाफ आएगा। मेरा बच्चा जिंदा घर आ गया इसलिए मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर मरता तो ये हुक्मरान ये पुलिस वाले गोलियां लगाते कि मुल्ज़िम को पकड़ने के लिए हम इतने पैसे देंगे, मुल्ज़िम का को बताए हम इतने पैसे देंगे। ये मेरी बात नहीं, ये हजार माओ की बात है, ये हजार बच्चों की बात है। प्लीज उठो, अब इंसाफ के लिए सब लोग उठो, और ये मेरा नहीं अपने बच्चों के तहफ्फुज़ के लिए उठो, सारे अपने बच्चों की आज़ादी के लिए उठो। हम अपने बच्चों को कब तक कमरों में बंद करके बैठेंगे, कब तक इनके जो हमने इनके लिए महाफ़िज़ रखे हैं कब तक ये ऐसे काम करेंगे। मेरे वज़ीरे आला और वज़ीरे आज़म से दरख्वास्त है, मैं अपील करती हूँ, मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप उठें, आप कोई कानून बनाए। अगर कुरान में है इज्जत के बदले इज्जत, जान के बदले जान, और माल के बदले माल, अरे कौन सा रियासत मदीना बनाने लगे हो आप, ये कौन सा रियासत मदीना है जहाँ बच्चों की भी इज्जतें बच्चियों की इज्जतें भी नहीं महफूज। बस मैं इतना कुछ ही बोल सकती हूँ, मेरे में बोलने की हिम्मत नहीं, मेरे बच्चे का जो हाल है वो मैं जानती हूँ, मैंने अपने बच्चे को खून में लथड़ा हुआ देखा है, मैं माँ हूँ, मैं पल पल तड़पती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, अगर पैसे से सब कुछ होता है तो फिर फायदा ऐसे कानून का, ऐसे महाफ़िज़ों का। ये हमारे मुल्क के हमारे बच्चों के महाफ़िज़ हैं जिन्होंने एक मुल्ज़िम को आज़ाद छोड़ा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है, वो फिर मेरे बच्चे को उठा सकता है। मुझे तो डर रहता है, मैं अपने घर में ही महफूज नहीं हूँ, मैं अपने घर में भी डरती हूँ कहीं से कोई आ ना जाए। बस मैं और नहीं कुछ कह सकती। तो जी नाजरीन, आपने ये फरहान की वालदा की गुफ्तगू सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अरबाब इख्तियार इसका नोटिस लेंगे और हमारे इस प्रोग्राम के तवस्त से इस मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा, और इसके बाद जो मुल्ज़िम है उसको करार वाकई सज़ा मिलेगी। आज के लिए इतना ही, अपने होस्ट फ़ियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।